कोरोना की दहशत अभी सोलन वासियों के दिलों में गई ही नहीं थी कि इस दौरान अब डेंगू का कहर भी सोलन जिला में बरपना शुरू हो गया है। ज्यादातर डेंगू के मामले जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्रों से आ रहे हैं, जिस कारण लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग की कई टीमें लोगों को जागरूक भी कर रही है। उन्होंने बताया कि डेंगू से वे किस तरीके से बच सकते हैं, ये जानकारी दी जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बताया कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामलों पर पैनी नजर रखे हुए है। अगर किसी क्षेत्र से अधिक डेंगू के मामले आते हैं तो उसे हाई रिस्क जोन में शामिल किया जाता है। नगर परिषद के साथ मिलकर सोलन में भी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे केवल लोगों को जागरूकता से ही बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में अब तक औद्योगिक क्षेत्र परमाणु से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केवल परमाणु क्षेत्र में ही 338 मामले डेंगू के सामने आए हैं। वहीं बद्दी क्षेत्र में भी अभी तक 101 मामले डेंगू के सामने आए हैं, जबकि नालागढ़ से 61 लोग डेंगू प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू में रोगी को 102 के ऊपर बुखार आता है। अगर किसी व्यक्ति को अधिक बुखार आ रहा है तो वे तुरंत नजदीकी अस्पताल जाके अपना इलाज शुरू करवा दे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि लोग डेंगू को हल्के में ना लें और इसका सही समय पर इलाज करवाएं, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। डेंगू में क्या होता है कि हमें काफ़ी तेज़ बुखार आता है इसमें पेशेंट को, मतलब और जो केसेस होते हैं उनमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहता है, इसमें जो है वो 102 डिग्री से ज़्यादा काफ़ी तेज़ बुखार आता है। और जो बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं उनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो डेंगू के जो ये है, इसमें वेक्टर जो है वो फ्रेश वाटर में जो है पनपते हैं, इसके कीटाणु जो मच्छर होते हैं। तो उसके लिए ये है कि जो भी जहाँ भी कहीं पे पानी भर के रखा हुआ है तो उसको जो है वो उसको रिप्लेस करते रहें बार बार। ये ना सोचें कि ये तो बिल्कुल साफ़ पानी है और इसमें कोई मच्छर नहीं पनपेंगे। तो इसलिए जैसे कि हमने देखा है कई बार कई सारे पॉट्स होते हैं गमलों के नीचे जो हमारी ट्रे रखी होती है, अगर आप उसको भी उठा के देखेंगे तो उसमें भी कई सारे आपको ये कीड़े उनके लार्वा दिखाई देते हैं। तो ये है कि समय समय पर जो है वो जहाँ भी पानी भर के रखा हुआ है उसको रिप्लेस अवश्य करते रहें। इसमें जो है हमने देखा है कि अभी हमारे परमाणु इलाके से हमें बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। आज भी वहाँ पर 8 टेस्ट हुए हैं जिसमें से कि 3 जो है वो डेंगू के केसेस आए हैं, और अभी तक जो है वो वहाँ पर 338 केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरा जो एरिया है वो है बद्दी का, जहाँ पे हमको 101 केसेस मिले हैं, और तीसरा जो है वो नालागढ़ में जहाँ हमको 61 केसेस मिले हैं। तो जैसे ठंड आएगी तो हम इतना तो है कि डेंगू के केसेस में कमी आएगी, लेकिन जब तक हम अपने चारों तरफ साफ सफाई नहीं रखेंगे हम इस बीमारी से दूर नहीं भाग पाएंगे। ऐसा है कि इसमें जैसे प्लेटलेट्स की कमी होती है, तो प्लेटलेट्स को बनाने के लिए जो है नारियल का पानी, कीवी, इस तरह की चीज़ें जो है जो जिससे कि प्लेटलेट्स काफ़ी संख्या में बने उनका सेवन करना चाहिए। और बाकी बुखार बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो सिर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के जो है टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जाता है। बाकी जो एडिशनल दवाइयाँ हैं वो तो चलेंगी साथ में, जैसे कि पैरासीटामोल वगैरह है, लेकिन यह है कि जब सिर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 100 से कम होने पर ये पट्टियाँ नहीं रखनी है। 101 से ऊपर जब होता है टेम्परेचर तभी है हमारे सिर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख के हमको उसका टेम्परेचर जो है वो कम करना है। देखिए डेंगू में जो है वो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से मतलब ये है कि जहाँ अगर कहीं पे भी कोई कट लगेगा तो उसमें हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बॉडी में भी अंदर जो है वो हेमरेजिक कंडीशंस बढ़ जाती हैं। तो इसमें जो है वो कई बार डेथ तक भी ये पहुँच जाती है। तो खतरा तो है ही है इसमें, तो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि कहीं पर भी पानी का जो है वो कलेक्शन ना हो, और जहाँ कहीं भी संभावना है कि जहाँ पर कि हमारे मच्छर वगैरह जो है वो लार्वा दे सकते हैं तो उस जगह में जो है वो पानी का वो ना हो, वहाँ साफ़ सफाई रखी जाए। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है या कहीं बहुत समय से रखा हुआ है पानी, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाए।